खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज आप हैं 12वीं सदी में। 12वीं सदी में आजकल 20वीं, 21वीं, 22वीं सदी की बात होती है और मैं लेके चल रहा हूं आपको 12वीं सदी में। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्राचीन भारत में कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। खाना उसमें से एक था। आज देखते हैं कुछ खाना प्राचीन भारत का। ध्यान से देखें, शुरुआत करते हैं तुरई कबाब से। नाम बढ़िया है, खाने में अच्छी चीज है। तुरई लोग खाते नहीं है, बहुत कतराते हैं। आज के बाद खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। नाम आप कुछ भी देना चाहे, क्योंकि तुरई सुनते ही लोग मेज छोड़ के भाग जाते हैं, कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं, कहते नहीं नहीं तुरई नहीं, कुछ और खिला दीजिए। शुरुआत करते हैं तुरई से। यहां पर जो तुरई मैंने ली है, इसको स्क्रेप किया है, छीला है, और उसके बाद इसे हमने काटना है। वैसे तो जितनी थोड़ी मोटी रहे तुरई उतनी बढ़िया है इस डिश के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज देखने वाली है वो ये कि इसके जो बीज हैं वो ज्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए। इसको हम बीच में से काट लेते हैं, आधा ही काटेंगे, पूरा इसे हमने नहीं काटना, ऐसे काट लें आप। और यदि आपको ऐसा लगे कि जो बीज हैं वो बहुत ज्यादा पके हुए हैं, तो उन बीज को आप थोड़ा सा स्कूप भी कर सकते हैं। अब ये जो तुरई है इसको हमने स्टफ करना है, और स्टफ किससे करेंगे? कुछ यहां पर चीजें हैं मेरे पास, चलिए पकाना शुरू करते हैं। घी ले लेते हैं। घी गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। अब इसमें हम डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, और इस प्याज को हमने भूनना है अच्छी तरह से। वैसे आप आज सोच रहे होंगे कि हम प्राचीन भारत के खाने की क्यों बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां पर जो खाने थे वो इतने बढ़िया थे कि अगर उनमें से हम कुछ निकाल सकें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम खो चुके हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ सर बाहर के मुल्कों में, देशों में जा चुकी हैं, और अब वो हमारी शायद नहीं भी रहीं। तो अगर हो सके तो हम ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे कि वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको वापस एक बार ला सकें और उन्हें बना कर देखें कि क्या क्या उनमें अच्छाइयाँ थी, वाकई अच्छाइयाँ थी भी या नहीं थी। कुछ पुरानी किताबें ऐसी हैं जिसमें खाने के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पर बहुत एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे जैसे जो प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं उनको खाने के बारे में कुछ पढ़ना हो तो हमारे यहाँ पर हमारी कोई पुरानी किताबें मिलती नहीं हैं। खैर, अभी हाल ही में एक किताब तैयार हुई है, बिब्लियोग्राफी जिसे हमने तैयार किया है, और उसके अंदर वो सारी किताबें जो पूरे भारतवर्ष की लाइब्रेरीज में हैं, जिसमें खाने का कुछ भी मेंशन है या कोई आर्टिकल्स लिखे गए हों जिसमें प्राचीन भारत के खानों का कुछ भी वर्णन है, उसकी एक किताब तैयार की है बिब्लियोग्राफी की। और उसके बाद हम चाहते हैं कि जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो इकट्ठी की जाएं और देखा जाए कि पहले हमारे देश के खाने क्या क्या थे। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ पढ़ के लगता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता था, ये सिर्फ लिखा ही हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ मैंने पढ़ी और सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, वो डिश का नाम है परिंदा पूड़ी। डिश क्या है? पूड़ी के अंदर चिड़िया। जैसे ही पूड़ी आपको सर्व हुई, आपने तोड़ा और चिड़िया उसके अंदर से निकली। सुनने में कितना अच्छा लगता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या होता था? चिड़िया भी नहीं मरी। खाने में या सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें एकदम असंभव है, लेकिन ऐसी चीज़ें पहले होती थी। यानी खाने में आजकल हमने कुछ सीखा ही नहीं है। अगर पूड़ी में से हम चिड़िया नहीं उड़ा सके तो इसका मतलब है कि अभी हमने खाना बनाना सीखा ही नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा बना सकता है तो हमें ज़रूर लिख के भेजें। खैर, ट्राई करने से पहले हमें पूछ लें, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें मालूम है कि किस तरह से पूड़ी में से चिड़िया उड़ सकती है। अचंभे में रह गए ना आप कि क्या ऐसा हो सकता है? खैर, हमें लिख कर पूछें, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। अब ये जो प्याज है ये हमने थोड़ा थोड़ा लाल कर लिया है, और इसमें डालेंगे अदरक, फ्रेश अदरक का पेस्ट, ताज़ा पेस्ट, थोड़ा सा पानी इसमें मैं डाल देता हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमारे यहाँ पर बहुत पहले से यूज़ होती है, अब खाने के रूप में यूज़ होती है या दवाई के रूप में यूज़ होती थी ये तो देखना पड़ेगा। खैर, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, वो तो सबको मालूम ही है। अगर कोई अंदर की चोट लगी हो, यानी चोट अंदर लगी हो, तो आप
दूध के अंदर हल्दी मिलाकर पीजिए, वो चोट ठीक हो जाती है। खैर, मैंने किसी को ये बोला कि आप कहीं अंदर की चोट लगी हो तो आप हल्दी में दूध मिलाकर पी लीजिए, वो चोट ठीक हो जाएगी। काफ़ी देर तक किसी ने ट्राई किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो वो चोट थी वो दिल पे चोट लगी थी, वो शायद इससे ठीक नहीं होती। उसके लिए बढ़िया खाना बनाना पड़ता है और सब चीज़ें प्यार से करनी पड़ती हैं। और अब इसमें हम एक मसाला डालेंगे। ये जो मसाला है इसके अंदर हमने भून कर धनिया, छोटी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी, इन सबको भून कर पीसा है। और अब बारी आती है पनीर की, और इसके साथ इसमें डालें नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगा ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और ये जो पानी है इसे हमने सुखाना है। ये जो तुरई हमने ली है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें लगाएं अदरक की पेस्ट। इस स्टफिंग को हम डालेंगे इसके अंदर, ये तुरई के अंदर, और अब इसे आप बांध लें धागे के साथ। अब ये जो तुरई कबाब है जिसे हमने स्टफ कर दिया है, इसे पकाना है। वैसे तो इसको आप भून सकते हैं, यानी आप बारबेक्यू के ऊपर इसे ग्रिल कर सकते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिक ग्रिल के ऊपर भी इसे पकाया जा सकता है। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप पैन के अंदर आप इसे घी या तेल के अंदर थोड़ा सा पका लें, यानी इसको पॉट रोस्ट करें। घी ले लेते हैं। घी गर्म होने के बाद ये जो तुरई हमने स्टफ की है उसे डाल देते हैं। और इसको आपने पकाना है तेज आंच के ऊपर, ताकि जो तुरई है वो थोड़ा थोड़ा सा रंग पकड़े और उसके साथ साथ वो गलनी भी चाहिए। इसको तेज आंच में पकाने के बाद देखते हैं कि इसमें कुछ फर्क पड़ता है। देखिए, इसका जो रंग है ये चेंज होना शुरू हो गया है, देखिए लाल होनी शुरू हो गई है। इसे आप पलट लें और इसको सब तरफ से ऐसे ही हमने लाल करना है। और इसकी ग्रेवी के लिए आप दही ले लें। पहले इसकी जो आंच है मैं धीमी कर देता हूं, इसके अंदर हम दही डालेंगे, दही के साथ थोड़ी सी हल्दी, नमक और अदरक का पेस्ट, याद रहे एकदम फ्रेश होना चाहिए। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और धीमी आंच पर करीब 12 से 15 मिनट तक इसको दम पर इसी तरह से पकने दें। उसके बाद तुरई कबाब, जिसमें हमने थोड़ी ग्रेवी भी दी है दही की, इतनी बढ़िया बन जाएगी, इतनी टेस्टी है कि आपको लगेगा नहीं कि ये जो डिश है तुरई से बनी है। मुंह में मेल्ट होगी, पनीर है इसके अंदर, बहुत बढ़िया टेस्ट है। लेकिन खाने से पहले याद रखें, जो आपने धागा लगाया था उसको ज़रूर निकाल दें। और खाएंगे किसके साथ? बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इसको किसी चिकन की डिश के साथ खा सकते हैं। ये जो चिकन की डिश है अगली है, अगली मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चिकन की रेसिपी बहुत बढ़िया है, बहुत लजीज है, ऐसी है कि दिल करता ही बनाते ही रहे। लेकिन अभी नहीं बना सकता क्योंकि एक ब्रेक लेना है। लेकिन ब्रेक से पहले आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद एक रीकैप। मैं तैयारी करता हूँ, चिकन की प्राचीन भारत से डिश है। इसके लिए हमें चाहिए 12 तुरई, 500 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा कप घी, 2 कप दही, 3 स्लाइस की हुई प्याज, 3 दालचीनी की स्टिक्स 1 इंच की, 4 हरी इलायची, 12 काली मिर्चें, 2 बड़े चम्मच धनिया, 3 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप तुरई को बीच में से काटकर इसके बीज निकाल लें और इसके अंदर नमक और अदरक की पेस्ट लगाकर रख दें, और एक पैन में धनिया, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च डालकर भुनें और इसका पाउडर बना लें। इसके बाद एक पैन में घी लेकर इसमें जीरा डालकर भुनें। अब इसके अंदर स्लाइस की हुई प्याज डालकर भुनें, इसके अंदर अदरक की पेस्ट और पानी डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और भुने मसालों का पाउडर डालकर मिलाएं। अब इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर कुछ देर पकाएं और इस मिक्सचर को तुरई के अंदर भरें और इसे धागे से लपेट कर बांध दें। इसके बाद एक पैन में घी लेकर इसमें तुरई डालें और इसको भून लें। अब इसमें दही, हल्दी पाउडर, नमक और अदरक की पेस्ट डालकर मिक्स करें और ढक्कन लगाकर इसे करीब 12 मिनट तक दम पर पकाएं और सर्व करें।
वेलकम बैक। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका खाना खजाना में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बातें कर रहे हैं कुछ प्राचीन भारत के खानों की, एंशंट इंडिया में खाना कैसा होता था। बहुत अच्छा होता था और ऐसे खाने होते थे कि दिल करता है कि आज हम वैसा खाना क्यों नहीं खा सकते। खैर, वैसा तो खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें पूरा मालूम भी नहीं है कि वैसा खाना क्या होता था, तब क्या क्या खाया जाता था। लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो हमें मालूम है, जैसे लाल मिर्च आज से 400 साल पहले हिंदुस्तान में नहीं थी, ना ही टमाटर था, और आजकल आप देखते हैं कि ग्रेवीज में हम इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं, एक डिश चिकन की है जिसमें ना हम लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे, टमाटर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्वादिष्ट बनेगी और बहुत ही बढ़िया है। देखते रहें, शुरुआत करते हैं चिकन से। इसके लिए चिकन ब्रेस्ट हम ले लेते हैं। ये जो चिकन ब्रेस्ट है इसे हम सबसे पहले काट लेते हैं। इस चिकन ब्रेस्ट को हमने एकदम पतला काटना है, तो इस तरह से एक तेज नाइफ से इसे फ्लैट रखकर हम इस तरह से काट लेते हैं। और अब इसकी हमने पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है इस तरह से। इसके साथ साथ हमें और भी तैयारी करनी है, प्याज को फ्राई करना है, उससे पहले स्लाइस कर लें। ये जो प्याज है इसे हम तेल के अंदर या घी के अंदर तलेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कर लें। ब्राउन करने के बाद उसकी हमने पेस्ट बनानी है। थोड़ी सी दही लें और मिक्सर के अंदर, या आप चाहें तो पुराने जमाने के स्टाइल में आप पत्थर पे उसको पीस भी सकते हैं, सिलबट्टे पे। खैर, इतनी मेहनत कोई नहीं करता है। आप उसको मिक्सर के अंदर पेस्ट बना लें। यहाँ पर ये हमने प्याज और दही की पेस्ट बनाई है और इसके साथ साथ एक और हमने पेस्ट तैयार करनी है और वो है बादाम की। रिच खाना है, बादाम की पेस्ट। बादाम को आप ब्लांच कर लें, यानी गर्म पानी में पका लें जो बादाम की गिरी है उसे। उसके बाद उसका छिलका निकाल लें और उसे आप पीस लें। ये हमने बादाम की पेस्ट तैयार की है। इसके साथ साथ एक और हम तैयारी कर लेते हैं। कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे, सूखा धनिया, दालचीनी, कुछ लौंग और इलायची। इन सब चीजों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। जब तक ये भुनते हैं, ये जो चिकन हमने काटा था इसका क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप ये जो टूथपिक रहती हैं लकड़ी की वो ले लें और ये जो चिकन के पीसेस हैं इसे हमने पिरोना है इसके अंदर। देखिए इस तरह से, ये जो चिकन के पीसेस हैं टूथपिक में इस तरह से आप लगा लें। ये तो चिकन हमने तैयार कर लिया और ये जो सब मसाले हैं ये भी भुन चुके हैं। अब इसका हमने पाउडर बनाना है, इसे आप पीस लें और इसको आप पाउडर में तैयार कर लें। देखिए यहाँ पर ये हमने पाउडर तैयार किया है। अब आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। ये जो चिकन है जिसे हमने लकड़ी की सीख के ऊपर लगाया है टूथपिक में, इसमें हम डालेंगे ये ब्राउन प्याज की पेस्ट। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा दही और आमंड पेस्ट। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें हम डालेंगे ये मसाले जिसे हमने भून कर पीसा है। इसके साथ इसमें डालें कुटी हुई काली मिर्च, इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लें। अब इस पैन में हम घी ले लेते हैं, घी थोड़ा ज्यादा मात्रा में, और इन पीसेस को हम डालेंगे इसके अंदर। तेज आंच पर हम पकाएंगे इन्हें पहले। क्योंकि आज हम बातें कर रहे हैं एंशंट इंडियन फूड्स की, यानी प्राचीन भारत के खानों की, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो ट्रेडिशन है, जो इंडियन कल्चर है, उसमें जो खाना है वो इतना रिच था। रिच का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ घी, तेल या क्रीम ऐसी सारी चीज़ें थी, यानी उसकी जो हिस्ट्री है उसमें हम देखना शुरू करें तो उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं
कि जो खाना है उसको दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। वैसे सबको मालूम है कि हमारी जो हल्दी है इतनी पुरानी है या नीम है, उसको हम मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। खासतौर से आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि खाने को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं दवाई के रूप में। वैसे जो भी आप खाते हैं उसका कुछ ना कुछ तो रोल होता ही है। खैर, अपने आप को ठीक रखने में और बढ़िया रखने में खाना काफ़ी हेल्प कर सकता है। खाना खजाना के द्वारा हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते आए हैं और बताते रहेंगे। आज तो सिर्फ हमने शुरू किया है क्योंकि हाल ही में एक हमने सेमिनार किया था एंशंट इंडियन फूड्स के ऊपर और रिस्पांस बहुत अच्छा था। लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। खैर, हमने शुरुआत की है और मैं चाहता हूँ कि आप हमें लिखकर भेजें कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट जो आपके पास हो जिसमें खाने का कुछ वर्णन हो, तो हमें लिखकर ज़रूर भेजें और हम शेयर करेंगे दुनिया के साथ। अब इसको हमने तेज़ आँच पर काफ़ी भून लिया है और आप देख रहे हैं इसका जो रंग है ये भी काफ़ी ब्राउन होना शुरू हो गया है और जो चिकन है काफ़ी पक चुका है। इसमें थोड़ी सी हमें ग्रेवी चाहिए तो इसमें हम पानी डाल देते हैं। और ये जो मसाला है उसे इसके अंदर डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, ये सी सॉल्ट एकदम नेचुरल फॉर्म में, और अब इसे हम ढक देते हैं और धीमी आंच पर इसे पकने देते हैं करीब 20 मिनट तक। चिकन गलने में तो वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन दम पर जब ये चिकन पकेगा इसमें जो टेस्ट हैं वो इतने बढ़िया हैं कि प्राचीन भारत में क्या आज भी आप खा के देखें आपके मुंह में पानी आएगा और लोग बार बार इसकी मांग करेंगे। खाएंगे किसके साथ? नारंगी पुलाव कैसा लगता है वो अभी नहीं, ब्रेक के बाद। अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रीडियंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। मैं आता हूँ जल्दी से तैयारी करके नारंगी पुलाव की। इसके लिए हमें चाहिए 12 चिकन ब्रेस्ट, आधा कप घी, 6 बड़े चम्मच धनिया, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 4 स्लाइस की हुई प्याज, 3/4 कप बादाम की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच कुटी काली मिर्चें, 1 कप दही और नमक स्वादानुसार। इसके लिए आप एक पैन में धनिया, दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची को ड्राई रोस्ट कर लें और इसे ठंडा करके पीस लें और इसके साथ प्याज को स्लाइस करके तल लें और इसके अंदर दही डालकर इसकी पेस्ट बना लें और चिकन ब्रेस्ट के पतले और लंबे पीसेस काट लें और इन पीसेस को एक टूथपिक में लगा लें। इसके बाद इन पीसेस के अंदर तली प्याज की पेस्ट, दही और बादाम की पेस्ट डालकर मिक्स करें। अब इसके अंदर भुने मसालों का पाउडर और कुटी काली मिर्चें डालकर मिक्स करें। इसके बाद एक पैन में घी लेकर इसमें चिकन के पीसेस को डालकर तेज आंच पर भून लें। इसमें थोड़ा सा पानी, बचा हुआ मसाला और नमक डालकर मिलाएं और इसे ढक्कन लगाकर करीब 20 मिनट तक पकाएं और सर्व करें। वेलकम बैक। आज आप देख रहे हैं कुछ ऐसी डिशेज जो प्राचीन भारत की हैं, पुरानी डिशेज हैं लेकिन उसको हमने आज के लिए रेलेवेंट बनाया है, यानी आज भी उसको हम खा सकते हैं। थोड़े से चेंजेस किए हैं लेकिन इसका जो सोल है यानी इसकी जो आत्मा है वो एकदम प्राचीन है। अब बारी आती है नारंगी पुलाव की। खैर, संतरा या नारंगी प्राचीन नहीं है लेकिन फिर भी इसमें हम देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले हमारे यहाँ पर काफ़ी प्रचलित थे। तो शुरुआत करते हैं नारंगी पुलाव की। इसके लिए सबसे पहले हमें जो संतरे चाहिए उसे छीलना है, संतरे का रस हमने निकालना है, फ्रेश संतरे का रस यहाँ पर हमने निकाल के रखा हुआ है। और ये देख रहे हैं आप, ये जो संतरे हैं इसको हमने बीच में से काटा है और जो संतरा है निकाल लिया है और उसका रस निकाला है। इसे हम इसी तरह से रखेंगे, इसकी ज़रूरत है हमें। और इसके लिए चावल जो हमने लिया है इसको करीब आधे घंटे तक आप भिगो लें और अब इसे हम पकाना शुरू करेंगे। घी ले लेते हैं, घी जब पिघल जाए तब इसके अंदर हम कुछ फ्लेवर वाली चीज़ें देंगे, दालचीनी, इसके साथ लौंग और कुछ छोटी इलायची। थोड़ी देर भुनने के बाद ये जो मसाले हैं इसमें से इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी जब आनी शुरू हो जाए तब आप इसके अंदर डालें चावल। इसके साथ साथ कुछ हमें ये जो संतरे के छिलके हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये संतरे का छिलका, इसे हमने पतला पतला लंबा काटना है। ये जो छिलके हैं जिसे हमने पतला पतला काटा है उसका क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप थोड़ा सा हल्दी के पानी में 2-3 बार उबाल लें, यानी उबाल लें कैसे कि
कि आप हल्दी के पानी में इसको उबालें, पानी फेंक दें, दोबारा हल्दी वाला पानी लें, फिर उबालें, फिर फेंक दें और एक बार फिर इसको उबाल लें। यहाँ पर ये हमने तैयार किया हुआ है। अब लेंगे हम ये संतरे का रस। ये जो पुलाव बनेगा इसके अंदर संतरे का बहुत टेस्ट आएगा, क्योंकि इस पुलाव के अंदर हमने संतरे का रस का इस्तेमाल किया है। इसमें हम संतरे का छिलका डालेंगे। चलिए ये संतरे का छिलका जिसे हमने महीन काटा है उसे डाल देते हैं। अब बाकी चीज़ें इसमें हम डालते हैं। नमक, सी सॉल्ट हमने लिया है, इसके साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी और इसे मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च। और इसके साथ इसमें हम डालते हैं थोड़ा पानी, और इसमें फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डालते हैं केसर। केसर को हमने दूध के अंदर भिगोया है, इसे भी मिक्स कर देते हैं। और अब आप इसको ढककर पकने दें ताकि जो चावल है वो पूरी तरह से गल जाएं। और जब ये गल जाएंगे तब क्या तैयार होगा? नारंगी पुलाव। लेकिन ऐसे ही इसको सर्व नहीं करेंगे। सर्व करने के लिए ये जो संतरे के छिलके हैं, जो संतरे के हमने कप बनाए हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। जब पुलाव पक जाए आप इसके अंदर डालें ये नारंगी पुलाव और इसी तरह से सर्व करें। ऐसा पुलाव आपने पहले नहीं देखा होगा। वैसे भी इस तरह से संतरे के कप में सर्व किया हुआ पुलाव बहुत ही बढ़िया है, स्वादिष्ट है। बना के देखें आज के जमाने में। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चावल, 10 संतरे, 1/4 कप चीनी, 1/2 कप घी, 2 डंडियां दालचीनी की, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1/2 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्चें, 2 ग्राम केसर, 2 बड़े चम्मच दूध और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप संतरों के छिलकों को कटोरी के आकार में काट लें और संतरों का रस निकाल लें और कुछ छिलकों को पतला काटकर इसे हल्दी के पानी में 2-3 बार उबाल लें और चावल को पानी के अंदर 1/2 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। इसके बाद एक पैन में घी लेकर इसमें दालचीनी, लौंग और हरी इलायची डालकर भूनें। अब इसमें पानी में भीगे चावल डालकर भूनें। इसके साथ इसमें संतरे का रस और संतरे के कटे छिलके डालें। इसके साथ इसमें नमक, चीनी, कुटी काली मिर्चें और पानी डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें दूध में भीगा केसर डालकर मिलाएं और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकाएं और सर्व करें।